50,000 के इनामी समेत बावरिया और गैंग के दो सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़। इनामी कप्तान उर्फ मंगल उर्फ विजय पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर हुआ फरार। मुठभेड़ के दौरान बुलंदशहर पुलिस का सिपाही प्रदीप कुमार भी हुआ घायल। शातिर किस्म का डकैत बताया जा रहा मुठभेड़ में गिरफ्तार होने वाला कप्तान। इनामी से एक तमंचा, दो जिंदा व दो खोखा कारतूस, एक बाइक बरामद। डिवाई से वांछित था मुठभेड़ में गिरफ्तार होने वाला इनामी कप्तान। डिवाई पुलिस की मुरैना नहर के पास अलीगढ़ अनूपशहर मार्ग पर हुई मुठभेड़। संवाददाता साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर में बीती रात पुलिस एनकाउंटर के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम कप्तान उर्फ मंगल है, जो मूल रूप से जनपद मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो वर्ष 2014 से ही डकैती के कई मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा था, जो एक बावरिया गिरोह का सक्रिय सदस्य भी है, जिसके ऊपर पूर्व में 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। बीती रात डिबाई पुलिस द्वारा अनूपशहर अलीगढ़ मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर डिबाई पुलिस ने बदमाशों को घेरना आरंभ कर दिया। बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी को देखते ही बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसके आत्मरक्षार्थ डिबाई पुलिस ने भी बदमाशों पर फायर किया, जिसके क्रम में एक बदमाश के पैर में गोली लगी एवं एक बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहा। फरार जो बदमाश है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार डिबाई पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। जो बदमाश गिरफ्तार किया गया है, उसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।